नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत राजकीय डिग्री कॉलेज ज्वाली में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्राचार्य नरेंद्र नाथ शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कॉलेज प्राचार्य ने एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन को बैच लगाकर सम्मानित किया। नशा हमारे समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है और युवा वर्ग इसकी चपेट में आ जाता है। यह बात एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने राजकीय डिग्री कॉलेज ज्वाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बच्चों को नशा के दुष्प्रभावों, यातायात नियमों, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा सहित अन्य कानूनी पहलुओं पर भी छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिनों दिन नशा की नई नई किस्म आ रही है, जिसमें शराब, लाहन, चरस, अफीम व चिट्टा शामिल है। उन्होंने कहा कि आज चिट्टा नामक नशा पहुंच रहा है और युवा वर्ग नशे की पकड़ में जकड़ता जा रहा है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि अगर कहीं कोई नशा बेचता है तो इसके बारे में पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने यातायात नियमों की भी जानकारी दी और कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों की भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने शक्ति ऐप, होशियार हेल्पलाइन, गुड़िया हेल्पलाइन की भी जानकारी दी। इसके बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नशा, यातायात संबंधी व महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा संबंधित कई सवाल एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन से पूछे, जिनका एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बड़ी ही सरलता व सहजता से उत्तर दिया। वहीं एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ हम शीघ्र ही पंजाब पठानकोट के एसपी, होशियारपुर के एसपी, गुरदासपुर के एसपी के साथ नशे के विरुद्ध एक मीटिंग कर रहे हैं और नशे पर शीघ्र ही लगाम लगाई जाएगी। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है और इसको मैं स्ट्रेटेजाइज कर रहा हूँ। हमने कुछ स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं जो कि अंडरकवर रह के इसमें कुछ कार्रवाई करेंगी और धीरे धीरे नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को मैंने मीटिंग रखी है एसएसपी गुरदासपुर पठानकोट एंड एसएसपी होशियारपुर के साथ। तो उसमें भी हम इंटर बॉर्डर जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर हम यहाँ से प्रेशराइज करें तो उधर चले जाते हैं, या उधर वाले प्रेशराइज करें तो इधर आ जाते हैं, या हमें कहीं जॉइंट रेड करनी है तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे। और छन्नी में जो एक इंसिडेंट पंजाब पुलिस के साथ हुआ, उस तरह की कोई घटनाएं ना हो और हम बहुत इफेक्टिव तरीके से इनको कंटेन करें, कर्टेल करें, इसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जल्द ही एडिशनल फोर्स काफ़ी संख्या में इस काम में हम लोग स्पेशली लगाने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद अगर हम जो कार्रवाई करेंगे तो काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ढंग से कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भीतर की ओर काफ़ी हद तक हम इस समस्या को कंट्रोल कर लेंगे। ज्वाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट।